अभी ये दो लड़के मेरा फैन गुजरा है। So assalamualaikum friends and fans, this is me Amir and welcome back to another beautiful vlog. And today's vlog is really special because आज के इस vlog में मैं जा रहा हूँ ईद उल अदा यानी कि ईद उल फितर जो कि ईद 3-4 दिन बाद है उसकी शॉपिंग करने और मैंने अभी तक trust me guys कोई भी कपड़े नहीं खरीदे because आज की ये वीडियो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस दफ़ा मैंने एक विजन लिया है दैट कि आई एम नॉट गोइंग टू बाय यू नो ब्रांडेड क्लोथ्स और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस दफ़ा आप लोग कोशिश करें कि इस ईद पर या मतलब कोई भी आप लोगों के पास ओकेजन है सो उस पर आप लोग ब्रांडेड क्लोथ्स कम खरीदें ये नहीं कि ना खरीदें कई लोगों को पसंद होते हैं और वो ब्रांड वेयर्स ही करते हैं सो एक मैंने पोस्ट देखी थी फेसबुक पर और वो मेरे दिल को बहुत छू गई थी दैट इज़ कि हम लोगों को इस दफ़ा इस ईद पर वहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए जहाँ से हमारी दी गई रकम यानी कि हमारे पैसे उनके घरों में खुशियाँ यानी ईद पर वो अपनी ईद मना सकेंगे सो इस दफ़ा मैं जा रहा हूँ वज़ीराबाद बाज़ार में और अपना बाज़ार भी एक्सप्लोर करूँगा और साथ में जो वीडियो का मेन पर्पज़ है दैट इज़ के आई एम जस्ट गोइंग टू बाय माई क्लोथ्स माई ईद उल अदा क्लोथ्स शूज़ ऑल्सो कोशिश करूँगा कि शूज़ भी आ सके लेकिन 5,000 रुपये से नीचे या 5,000 रुपये में रहते 5,000 में मैं शॉपिंग करूँगा ईद उल अदा की सो आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट टाइम दैट के 5,000 में मैं ईद के ड्रेसेज लूँगा नॉट ओनली शलवार कमीज़ इनफैक्ट शलवार कमीज़ पजामा माई कुर्ता माई शर्ट माई पैंट माई जीन्स माई शूज सो आई एम रियली सुपर एक्साइटेड सो विदाउट एनी मोर टॉक लेट्स जस्ट गेट स्टार्ट दिस एंड चलो सो राइट नाउ आई हैव 5,000 रुपीज़ पाकिस्तानी 5,000 रुपीज़ विद मी और इसी 5,000 रुपये में मैं शॉपिंग करूँगा अपने ईद के जितने भी ड्रेसेस हैं वो लूँगा और देखते हैं 5,000 रुपये में क्या क्या आ सकता है और चलते हैं बाज़ार में और फिर शॉपिंग शुरू करते हैं ऑलराइट गाइस सो बहुत ज़्यादा गर्मी है सो इसलिए लिहाजा मैंने कैप भी पहन ली है और ऐनक भी पहन ली है सो अभी मैं बाज़ार में आ चुका हूँ और अभी जस्ट वेट है तो उन शॉप्स पर जाने का और शॉप से ख़रीदारी करने का मैंने एक बच्ची मेरे पीछे खड़ी होकर देखी सो लेट्स मूव ऑन All right guys, so they have such a beautiful collection और अभी आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा prints हैं कुर्तों में और आप लोगों को सारे style उन्होंने निकाल के दिखा दिए हैं and they have huge collection for ready-made कुर्ता लेकिन क्या है कि मैं आज सिर्फ और सिर्फ एक ही कुर्ता लूँगा क्योंकि द थिंग इज़ दैट कि मुझे 5,000 रुपये में रहते रहते शॉपिंग करनी है और इस दफ़ा ये डिसाइड किया गया है कि ब्रांड से शॉपिंग नहीं होगी लोकल शॉप से शॉपिंग होगी और 5,000 रुपये के अंडर रहते हुए सो कोई एक मुझे चूज़ करना है और लेकिन देखने के बाद मेरा दिल कर रहा है कि मैं 2-3 उठा लूँ लेकिन नहीं सिर्फ और सिर्फ एक कुर्ता लूँगा सो गाइज एक दफ़ा फिर से इसने नई कलेक्शन मेरे सामने खोल के रख दिया और आप लोग देख सकते हैं सो लड़के तुम क्या चाहते हो कि मैं 2-3 कुर्ते लूँ लेकिन बेटा मैंने इस दफ़ा 5,000 में रहते हुए शॉपिंग करनी है इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही लूँगा सो सजेस्ट करो मैं कौन सा लूँ इनमें से ये वाला अच्छा चलो ये वाला मैं देखता हूँ लेकिन पर्सनली गाइस मुझे एक ये पसंद आया था और एक जो सबसे पहले ये दिखाया गया था उसके साथ साथ एक दिस वन और इसके साथ साथ एक ये पीला और उसके साथ साथ मुझे ये येलो ओह माय गॉड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ चुके हैं लेकिन आई एम रियली कंफ्यूज्ड कि मैं कौन सा कलेक्ट करूँ कौन सा उठाऊँ ऑल राइट गाइस सो दिस इज़ द फर्स्ट कुर्ता दैट आई ट्राइड और आप लोग ये ना समझे कि मैंने नीचे से शलवार नहीं पहनी बेसिकली मैं शॉर्ट्स पहन कराया था इस वजह से सो दिस इज़ द कुर्ता दैट आई वेयर और आप लोग देख सकते हैं अभी ये मुझे थोड़ा सा टाइट है फ्रॉम दिस साइड एंड फ्रॉम बैली सो आई एम जस्ट गोना ट्राई द अदर वन हाँ मैं दूसरा ट्राई करता हूँ भी और वो देखता हूँ कि वो भी टाइट है या नहीं सो गाइज मैंने दूसरा भी ट्राई किया एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी टाइट इनफैक्ट दिस वन इज़ मोर टाइटर दैन द अदर वन और ये दिस साइड से आर्मपिट से बहुत ज़्यादा टाइट है एनीवेज मुझे ये दोनों कुर्ते बिल्कुल भी पूरे नहीं आए और आप लोग देख सकते हैं दिस आर सो मच टाइट फ्रॉम हेयर
So I'm not going to buy these ones. So abhi dusri shop par jata hu aur dekhta hu. All right guys, so I just came on the second shop aur abhi kurton ki jo shop hai wo piche back side pe hai, lekin abhi maine decide kiya ki main is side par aaya hua hu. So main kyun na apni jeans aur pant dekh lu. Jeans aur pant nahi, jeans aur shirt dekh lu. So right now I just came on Ilyas garments aur अभी यहाँ पर मेरे साइज में आई थिंक 2, 3, 4, 5, 6 कलर और काफी अच्छे अच्छे पैंट्स हैं. सो पैंट्स मैं देख रहा हूँ, शर्ट्स देखूंगा और उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा विच वन आई पिक्ड अप. ऑलराइट गाइस, सो काफी सर्वे करने के बाद मुझे बस ये जीन्स मिली है यहाँ पर और सिर्फ यही पसंद आई है, क्योंकि शर्ट्स मेरे साइज की मिली नहीं मुझे. मैं मोटा हो गया हूँ, साइज तो इनके पास है लेकिन मेरी गलती है कि मैं मोटा हो चुका हूँ. सो ये चीज है कि अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ से मैं जीन्स कलेक्ट करूंगा और अभी चलते हैं काउंटर पर और पूछते हैं कितने के हैं. नॉलदास अच्छा जी, सो इन्होंने इस पैंट का 1000 लगाया लेकिन मैं थोड़ी सी तो बार्गेन करवाऊंगा क्योंकि आपको बताता चलो इस दफा 5000 में मैंने रखा हुआ है. बजट रखा, हाँ बजट रखा हुआ है, उसी में सारा मैनेज करना है. हाँ मैनेज करना है. सो आप इसका आई गेस 800 करें. ठीक है 800 इसका, जैसे आपका दिल करता ना वैसे. नहीं 800 ठीक है, देखें जायज मना सब करें. आपने 1000 का, मैंने आपको 800 का. 950 कर लें थोड़ा. नहीं चले ना आपकी ना मेरी 900 चले. ठीक है ओके. ऑलराइट गाइस, सो अभी मैं सेकंड शॉप पर आया हूँ और यहाँ से मैंने शर्ट पिक की है और द शॉप नेम इज़ मीर गारमेंट्स और ईद की कलेक्शन काफ़ी अच्छी आई हुई है यहाँ पर शर्ट्स में. सो आप लोग ज़रूर आएँ. सो मैंने प्लेन शर्ट ली है बिकॉज माई ड्रेस पैंट इज़ सो प्लेन और उसके साथ वो कॉटन है, सो इसलिए मैंने इसके साथ लाइट कलर है कि डार्क कलर है. मीडियम है. सो इसके साथ मैंने लाइट कलर के साथ मीडियम कलर लिया जो कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा. सो अभी मैं शूज़ लेने जा रहा हूँ और देखते हैं कि क्या. सो ऑल गाइस, सो अभी मैंने जीन्स और मेरी शर्ट ले ली है. सो पैंट शर्ट तो हो चुकी है, अब सिर्फ और सिर्फ शलवार कमीज लेनी है और उसके साथ एक शूज़ और एक सैंडल. सो तकरीबन मैं कितने रुपए खर्च कर चुका हूँ. सो 5000 रुपये में से मैं 1500 रुपये खर्च कर चुका हूँ और 3500 रुपये बचे हैं जिसमें मुझे शलवार कमीज़, एक अखेड़ी जूती और एक बूट लेने हैं. सो अभी चलते हैं बाजार में आगे. ये दो लड़के मेरा फैन गुजरा है. All right guys, so अभी मैं आ गया हूँ सेकंड फ्लोर पर जाने लगा हूँ और मॉल ऑफ वजीराबाद में अभी मैं आया हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने शर्ट और अपने लिए पैंट ली है और मॉल ऑफ वजीराबाद में काफी ज्यादा शॉप्स हैं. सो मैं वहां पर देखता हूँ कि मेरे लिए कोई मुझे शलवार कमीज मिलेगी या नहीं. सो लेट्स जस्ट मूव ऑन और अभी एलिवेटर में बैठ कर. अरे ओ माई गॉड, हम लोग आई थिंक गलत पोजिशन पे आ गए, हम लोग गलत फ्लोर पे आए. वी हैव टू बी ऑन फर्स्ट फ्लोर. So we are going down. Actually हम लोगों को first floor पे जाना था लेकिन हम लोग गलती से second floor पर चले गए. So yeah. ऑलराइट गाइस, सो ये कुर्ता मैंने पहना है और फाइनली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद अभी एक कुर्ता मिला है और नीचे से भी दिखा. अच्छा नीचे से आप दिखाओ ज़रा, नीचे से आप लोग ये ना समझे कि मैं नंगा, मैं नीचे ट्राउजर पहना हुआ शॉर्ट्स पहने हुए. एक्चुअली कुर्ता मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं आप बताओ. अच्छा लग रहा है. सो मैं आई थिंक यही पिक करने वाला हूँ और देखता हूँ अगर इसमें कोई और कलर है तो पूछ लेता हूँ, अदरवाइज आई एम जस्ट गोना गो फॉर दिस बिकॉज रोजे का भी टाइम हो रहा है, इफ्तारी का भी, और अभी मुझे शलवार भी लेनी है, शूज़ भी लेने हैं और सैंडल भी लेनी है. सो फटाफट से इसको पैक करवाते हैं और चलते हैं.
ऑल राइट गाइस, सो काफी स्ट्रगल करने के बाद मुझे फाइनली कुर्ता और पजामा मिल चुका है. और पजामा मुझे यहाँ से मिला, शलवार नहीं मिली. और मुझे एक्चुअली में पजामा ही चाहिए था क्योंकि कुर्तों के नीचे यही अच्छा लगता है. सो आई एम गोइंग फॉर दिस वन. और ये कुर्ता मैंने लिया है, अल खरीम का कुर्ता है. और ब्रांड नेम तो नहीं है लेकिन अच्छा है, ठीक है, चलता है. लेकिन उसके साथ साथ मैंने सफ़ेद शलवार लिया है. और दिस इज माई ईद उल फितर शलवार कमीज ड्रेस एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. अच्छा, ये कैलकुलेटर जरा ना आप बाद में घुमाएगा, मुझे वैसे बताएं कीमत इसकी क्या कीमत है. ये जो है ना पैंट पजामा, ये आपको 600 का लग जाएगा. अच्छा, 1400 का लग जाएगा. अच्छा, आप 2000 का ये दे रहे हैं मुझे. अच्छा गाइस, एक्चुअली क्या है कि इस दफ़ा मैंने डिसाइड किया है कि मैंने 5000 रुपये में रहते हुए लोकल शॉपिंग करनी, क्योंकि मैं ब्रांड्स नहीं चूज़ कर रहा. सो 5000 में मुझे शलवार कमीज़ भी चाहिए, पैंट शर्ट भी चाहिए और शूज़ भी चाहिए. सो आप थोड़े से लेस करें, ये ज़्यादा आप लगा. तो मैं साथ चलता आपको लेके. नहीं आप, नहीं नहीं आप, नहीं नहीं बहुत शुक्रिया, हाँ वो मैं मैनेज कर लूँगा. लेकिन आप ये थोड़े कम करें, बार्गेनिंग करें इसमें. बार्गेनिंग ना करें, क्यों ना करें, हम सुन्नत पर अमल करेंगे. अच्छा, इसी पर अमल करना. हाँ करें थोड़ा सा कम आप. ऑलराइट गाइस, सो डील डन हो चुकी है. और 1100 रुपये में मैं कुर्ता ले रहा हूँ और साथ में 500 रुपये में मैं पजामा ले रहा हूँ. यानी कि टोटल 1600 रुपये में मेरा ड्रेस ये आ रहा है. सो आई थिंक 1500 वहाँ लगा था और 1600 यहाँ लगा है. बाकी कितने बचे 5000 में से? 2000 नहीं, 1900 रुपये बचा. और उसमें मुझे एक शूज़ लेने हैं और एक शलवार कमीज के नीचे सैंडल लेनी है. सो आई थिंक मैं कम्प्लीट कर लूँगा 5000 कमीशन. राइट गाइस, सो अभी सैंडल में मैंने ये सैंडल ली है दैट कॉस्ट ओनली 700 रुपीज़. और ये इसलिए मैंने लिया बिकॉज काफ़ी लाइट वेट है और सेम आर्टिकल ब्रांड पे मौजूद है. सो इसलिए 700 रुपीज़ में मुझे ये मिली है. ऑल राइट गाइस, अभी रोजे का टाइम हो चुका है और बाजार में था मैं, शॉपिंग में हूँ, लेकिन मेरी शॉपिंग अभी इनकम्प्लीट है. नज़ीराबाद की एक बहुत फेमस चीज़ है, दैट इज़ फलूदा. वज़ीराबाद आएँ, फ़िश खाएँ और फलूदा ना खाएँ तो वज़ीराबाद आए क्यों? वज़ीराबाद आएँ और फलूदा ज़रूर ट्राई करें. वज़ीराबाद का फलूदा इज़ वर्ल्ड बेस्ट फलूदा. ओके, सो शॉपिंग हाफ हो चुकी है और शूज़ भी मैं ले चुका हूँ, लेकिन एक बस मेरे बूट रह चुके हैं, वो लेंगे. लेकिन अभी रोज़े का टाइम हो चुका है इफ्तार में. सो मैं अभी इफ्तार करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और अभी फलूदा ऑर्डर करूँगा और वो खाऊँगा और उसके बाद शूज़ लेकर घर जाऊँगा और फिर आपसे मिलूँगा. सो या गाइज, मैं ऐसी जगहों की ही बात कर रहा था कि आप लोग इन जगहों से ज़रूर कोई ना कोई चीज़ खरीदें ताकि हर घर में ईद मनाई जा सके. सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप लोग भी देखते हैं ऐसे छोटी छोटी शॉप्स, सो आप लोग ज़रूर बाय करें यहाँ से चीज़ें. ये मुझे पड़ी है तकरीबन 900 रुपीज़ की. सो 900 की ये पड़ी है और 600 की ये मुझे टी शर्ट पड़ी है, दैट कॉस्ट लाइक टोटली 1500. उसके साथ साथ मुझे शलवार कमीज 1600 रुपये में पड़ी है. सो 1500 एंड 1600 इज़ लाइक 3100. और उसके साथ 700 रुपये में मैंने शूज़ खरीदे हैं. सो टोटली मुझे 3800 रुपये, 3800 रुपीज़ में मैंने ये सारी कम्प्लीट शॉपिंग की है. और अभी भी मेरे पास 1200 रुपये बचे हुए हैं और उसमें मैं एक पेयर ऑफ शूज़ यानी जॉगर्स या स्नीकर्स ले सकता हूँ ईजिली कम्फर्टेबली. सो मैं सोच रहा हूँ कि वो बचा लूँ, पैसे ना ख़रीदूँ, क्योंकि मेरे पास वाइट नाइक शूज़ ऑलरेडी हैं और वो मैं ईद के दिन उन्हें वॉश आउट करके दोबारा पहन लूँ इनके नीचे. सो दीज़ आर माई 2 ड्रेसेज ऑफ ईद उल अदा विच इज़ ओनली कॉस्ट 3800 रुपीज़, लेस देन 5000 रुपीज़. और मुझे बहुत अच्छा लगा, ट्रस्ट मी गाइज, लोकल शॉप से शॉपिंग करके. और मैं तो आइंदा कोशिश करूँगा कि मैं पैसे बचाऊँ और इसी तरह अच्छी अच्छी जगहों से शॉपिंग करूँ. सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस व्लॉग. और जो 1200 रुपया बचा है वो मैं कल परसों अपने ऊपर लगाऊंगा, बिकॉज चांद रात आ रही है और चांद रात को यू नो कटिंग करवानी है, कलर, अपने बालों को खुलिया ठीक करवाना है, यू नो स्ट्रेट करवाना है और अपने फेस को भी कुछ हो सकता है करवा लूँ, क्योंकि ईद आ रही है. Anyways, this is the end of this vlog. I hope you guys like. If you guys like, then make sure to do subscribe my YouTube channel, that is Amir Taz Vlog. Give this video a big thumbs up and share this. See you inshallah in next video. Till that time, Allah Hafiz and bye bye.